वेलकम बैक गाइस सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप फ्यूचर में पढ़ाई करने के लिए कनाडा आने वाले हो या आप कनाडा के अंदर हो आपका पढ़ाई अभी मार्च अप्रैल में कंप्लीट होने वाला है उसके बाद कंप्लीट होने वाला है एंड आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पी के पॉइंट्स नहीं हो रहे सो मेक श्योर यू वॉज द वीडियो टिल दी एंड पेपर पर पे लिख के आया हूँ अच्छे से मैं कौन से कौन से प्रोविंस में आप लोग को जाना चाहिए एंड कौन से कौन से प्रोविंस में कौन सा कौन सा आपके हिसाब से पी के पाथवेज चल रहे हैं सो so, वो सारे हम लोग आज की के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज ये पहली वीडियो होगी जिसमें मेरे को पेपर देख देख के पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैंने रिसर्च करी थी एंड बहुत मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया है जो लोग एलबटा में थे या मैंने वीडियोस भी बना रखी है बंदों के साथ सो so, स्क्रीन पर वो वो वीडियोज भी पॉप होती रहेगी जैसे जैसे मैं वो प्रोविंस के बारे में बात करता रहता हूँ सो so, आप वो वीडियो भी देखा आउट चेकआउट कर सकते हो एंड ये पूरी वीडियो देखो आप लोग को क्लियर कट आइडिया मिलेगा मेक श्योर विदाउट एनी बायास कोई भी तरीके का दिमाग में गार्बेज फिल किए बिना वीडियो को देखो जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसके बारे में कैनेडा की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाके सर्च करो मैंने बोला या किसी यूट्यूबर ने बोला या किसी दोस्त ने बोला उसके भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है लेट मी बी एब्सोल्यूटी क्लियर एट द बिगनिंग ऑफ द वीडियो अपने हिसाब से रिसर्च करें गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जो लिखा है उसी को सच माने उसके अलावा कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उसको दिमाग में लेने ज़रूर लें बाद में अपना रिसर्च करें एंड देन गो टू दैट ठीक है वरना वहां जाके पता लगा कर लिया मैंने सो so, पहले ये चीज़ बतानी थी अभी ज़्यादा नहीं करते वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना सबसे पहले नोवास कोशिया प्रिंस एडवर्ड आइलैंड न्यू ब्रॉन्स न्यू फाउंड एंड लैबरेडोर के बारे में बात करना चाहता हूं बिकॉज यहाँ पे कुछ स्ट्रीम्स अलग तरीके से चल रही है ठीक है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता होती है सो so, वो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को अब इससे रिलेटेड मैंने दो वीडियोस तो ऑलरेडी बना रखे हैं नोवास कोशिया एंड न्यू फोन एंड लैबरेडोर से रिलेटेड मैंने पहले वीडियोस बना रखे थे सो मेक श्योर आप वो पूरी पूरी वीडियोस देखते हो आपको एक वहाँ पे क्लियर कट आइडिया मिलेगा किस तरीके का वहाँ पे एक्सपेंसिस है जॉब्स मिल रही है वो सारों से रिलेटेड मैंने वो वीडियोज में बातचीत कर रखी है स्टूडेंट्स के साथ सो so, एक आइडिया आप लोग को मिले अब ये मैं बट ये वाली वीडियो जो है वो पी से रिलेटेड है सो मेक श्योर इसको पीआर के वे में ही देखना ठीक है बिकॉज सारे आपको पाथवेज जो मैं बता रहा हूँ ये सारे पी में आपकी हेल्प करेंगे ओके सो so, इसमें कैसा है कि अगर डेजिग्नेटेड जॉब एम्प्लॉयर है मैं इसकी लिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो यहाँ पे आप लोग को जॉब लिस्टेड होती है ठीक है कौन सी कौन सी पोजीशन सी कौन सी जगहों पे ये लोग को लोग चाहिए वो सारा लिस्टेड होता है और ये गवर्नमेंट ने लिस्टेड किया होता है सो so, अगर आप ये जगहों पर काम करते हो तो आप लोग एक साल के बाद अपना पी अप्लाई कर सकते हो ठीक है सो so ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ये सब जगहों पे। यूजुअली ये जो डेजिग्नेटेड जॉब एम्प्लॉयर्स ये और ये और सब जगहों पे इतने आप लोगों को नहीं देखने मिलते हैं बट ये सब जगहों पे जरूरत रहती है नोवा नोवास्कोशिया एंड ये जो मैं बता रहा हूं बिकॉज वहां पे लोग इतने नहीं है आपको लग रहा होगा इतने लोग कैनेडा आ रहे हैं बट ये सब जगहों पर लोग नहीं जाते गाइस बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो रहता है प्लस बहुत ही आइसोलेटेड सी जगह है गाइस टोटली कट ऑफ है दुनिया से कटी पड़ी जगह होती है ना इस तरीके की जगह है सो so, कोई जाना प्रेफर नहीं करता ऐसी जगहों पे बट अगर आपको पीआर चाहिए अभी फिलहाल के हिसाब से तो मेक श्योर यू गो टू सच प्लेसेस यहां पे आप लोग को पीआर आप पीआर हो जाओगे मैक्सिमम दो से तीन साल के अंदर अंदर आप पढ़ाई करते हो तो साढ़े तीन चार साल के अंदर हो जाओगे एंड डायरेक्ट अगर आप लोग वहां इंडिया से वर्क परमिट पर आ रहे हो तो दो टू एंड हाफ थ्री ईयर के अंदर अंदर आप पी हो जाओगे मैक्स टू मैक्स बिकॉज अगर आप ये पोजिशन पर काम करते हो अगर आपके फील्ड से रिलेटेड हो नॉन फील्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लोग इंडिया से डायरेक्ट नोवास्को शायर है जो मैंने आप लोग को चार जगह बताई वहाँ पर आप गए पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो गई उसके बाद आप लोग को जो पढ़ाई आपने किया है वो फील्ड में आपको जॉब नहीं चाहिए ये जो डेजिग्नेटेड जॉब एम्प्लॉयर है इनके अंडर अगर आप काम करते हो वो कोई भी फील्ड हो आपसे रिलेटेड हो नहीं हो डजेंट मैटर अगर आप वो आपको काम देता है न, आप वहाँ पे काम करते हो एक साल के लिए तो देन यू कैन अप्लाई फॉर अ पीआर ए करके कैटेगरी होती है गाइस इसमें कोई ड्रॉ नहीं होता है और ये ए कैटेगरी जो होती है वो ये चार जगहों पर चलती है सो so, यहाँ पे क्या होता है आपको दो साल के लिए वो जगहों पर रहना होता है एंड देन आफ्टर दैट मैंने जो जॉब आपको बताई या जो भी है अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो तो जॉब अगर है आपके पास तो एक साल के बाद कर सकते हो या तो पढ़ाई करने के बाद एक साल के ये डेजिग्नेटेड जॉब एम्प्लॉयर के साथ काम करने के बाद आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इसमें कोई ड्रॉ नहीं होता है आपका पी होना ही होना है ये जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई एक साल डेजिग्नेटेड जॉब एम्प्लॉयर के साथ अगर आप काम करते हो तो आप पीआर हो जाओगे कोई कट ऑफ नहीं होता है कुछ नहीं होता है ये सब ठीक है तो ये सब स्ट्रीम्स जो होती है इनमें जाने का ट्राई करो आप लोगों को हेल्प मिलेगा अब आप फॉर एग्जाम्पल कोई फेमस जगह पे आ गए हो जैसे ऑनटेरियो आ गए हो या फिर ऐसी कोई भी जगह पे गए हो ब्रिटिश कोलंबिया साइड या कहीं पे भी जहाँ पे आपके पॉइंट्स नहीं होने वाले अब जैसे आप ट्वेल्थ के बाद आते हो तो आपके पॉइंट्स नहीं होते राइट बहुत लोगों के बीटेक के बाद भी पॉइंट्स नहीं होते बिकॉज वो कॉलेज में पढ़ते हैं एंड जब वो टोटल कैलकुलेशन लगाते हैं जॉब नहीं होती ये सब चीजों के बाद क्या होता है ना कि आपके पॉइंट्स नहीं होते एंड यहाँ पे कट ऑफ का सिस्टम है इट्स वेरी स्ट्रिक्टर बट ये ऊपर की चार जगह मैंने आप लोगों को बताई वहाँ पे किस तरीके का रहता है कि आप यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद अगर आप वो प्रोविसेस में मूव करते हो देन यू नीड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्स आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस ठीक है अगर ये वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप लोग को डेजिग्नेटेड जॉब एम्प्लॉयर के पास मिल रहा है तो आप लोग डायरेक्टली पी आर अप्लाई कर सकते हो तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है गाइस के बाद जो लोग बच्चे आते हैं उनको तो बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है क्योंकि बीटेक वालों के तो अलग अलग जगहों पर पे, यहाँ पर पे ओंटेरियो ही मूव करके वो पीआर ले सकते हैं या तो जॉब भी लग जाएगी तो भी एंड में वो कट ऑफ के ऊपर जाके वो पीआर ले सकते हैं बट ट्वेल्थ के बाद जो आता है उसके तो पॉइंट्स ही नहीं होंगे तो उसको तो ऐसा ही करना पड़ेगा ही हैज़ टू मूव टू सम अदर प्रोवेंस सो so, जो ट्वेल्थ के बाद यहाँ पे आ रखे हैं उनको अगर आप हो तो मेक श्योर ये जानो अगर आपका कोई दोस्त है तो उसको वीडियो जरूर शेयर कर देना कि आवर्स का एक्सपीरियंस आप लोग को चाहिए होता है डेजिग्नेटेड जॉब एम्प्लॉयर के पास ये में जो मैंने आपको ऊपर बताया so, सो पे आपका पी होने का चांस बहुत बढ़ जाता है बहुत क्या हंड्रेड परसेंट कंफर्म हो जाता है हम लोग बात करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग ओंटेरियो में आना है ठीक है ओंटेरियो के अंदर आप लोग टोरेंटो में आना चाहते हो ऐसी कोई फेमस जगह पे जाना चाहते हो जहां पे आपको अच्छा लगता है वो पे आना बट कम आपका कट ऑफ नहीं होने वाला है आपको फील्ड जॉब मिलना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कोई भी तरीके की पार्ट टाइम जॉब मिलना भी आपको डिफिकल्ट हो जाएगा सो so, अगर आपका कोई जान पहचान का आदमी है जो यहाँ पे कोई स्टोर में काम करता है या आप इस तरीके का रेफरेंस निकाल सकते हो बेसिकली एल की बात कर रहा हूँ लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट की बात कर रहा हूँ सो so, अगर इस तरीके का आपको कुछ मिलता है तो वो बंदे के साथ आप मैनेजरल पोजीशन पे एक साल के लिए काम कर सकते हो एंड उसमें आपके अच्छे खासे पॉइंट हो जाते हैं सो पॉइंट्स के बाद आप लोग अपना पीआर अप्लाई कर सकते हो ओंटेर के अंदर ही Ontario के 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 स्ट्रीम्स थ्रू थ्रू एक्सप्रेस एंट्री बेसिकली ठीक है सो ये एक चीज थी ये यूजअली लोगों को पता होता है एल ये क्या होता है बट अगर आपका कोई रेफरेंस है अगर आपका कोई फ्रेंड का कोई जान पहचान का आदमी आपका फ्रेंड का पी हो चुका है या फिर आपका खुद का कोई जान पहचान का आदमी है जिसके स्टोर चालू किया है तो वहां पर आप लोग एक साल के लिए मैनेजरल पोजिशन में काम कर सकते हो एंड पी

तो ये चीज आप लोगों के लिए लागू पड़ती है बेसिकली जो भी लोग एल्बा के मतलब बाहर से एलबर्टा मूव होने वाले हैं तो ये लोगों के लिए अलबेटा में जो पड़े हैं ये चीज वो लोगों के लिए लागू होती है तो इसमें क्या रहता है कि डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर जो होता है उसके साथ अगर आप वन ईयर के लिए काम करते हो तो आप लोग पीआर अप्लाई कर सकते हो एक और एडवांटेज रहता है कि अगर आई में अगर आपके लेस बैंड्स भी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो अब जैसे सिक्स बैंड्स है या सिक्स पॉइंट फाइव है या उससे भी लो बैंड्स है तो भी आप लोग अपना आई के थ्रू आप पीआर अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली यूजअली आप लोगों को आई में जितने ज़्यादा बैंड होंगे उतना ज्यादा पॉइंट स्ट्रक्चर रहता है बट एल्बर्टा में ये चीज़ मेरे को भी नहीं पता है ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ ऐसा कुछ कि लेस आई पॉइंट्स के साथ आप लोग अगर डेजिग्नेटेड जॉब एम्प्लॉयर के पास वन ईयर का एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई फॉर ए पी एंड वहां पे आपका पीआर आएगा ही आएगा कंफर्म और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कि मैंने एक सर्विस स्टार्ट करी है मेरे अंडर काफ़ी सारे लाइसेंस्ड इमिग्रेंट एजेंट्स हैं जिनसे आप लोग बातचीत कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है वो फॉर्म आप लोग को फिल आउट करना है नीचे मेरा वेबसाइट है वहाँ पे आप लोग को जाके पूरा वेबसाइट चेक करना है तो कर सकते हो तो ये जैसी चीज़ आप लोग कर लेते हो आपको मेरा एजेंट या जो भी लाइसेंस्ड इमिग्रेंट एजेंट है वो कॉन्टैक्ट करेंगे एंड कॉन्टैक्ट करने के बाद आप लोग को फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कोई भी तरीके का आप लोग को हेल्प चाहिए बिकॉज अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहा है राइट right? सो so, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन को मार्केट में सो दैट्स एम सेइंग की नीचे जाओ अपना फॉर्म फिल करो वो आपको कांटेक्ट करेंगे और वहां से आप लोग फ्री में बातचीत कर सकते हो कोई भी तरीके का आप लोग को चार्ज नहीं देना है कुछ नहीं देना है सो मेक श्योर यू डू दिस एंड आपको अगर जब भी आप लोग वीजा अप्लाई करते हो उससे पहले के डाउट्स है वीज़ा के के बाद डाउट्स है है बिकॉज क्या होता कि भाई SOP किस तरीके से बनाना है एलओ का किस तरीके का सीन है कहां पर अप्लाई करना है कौन से कोर्स में अप्लाई करना है बिकॉज अभी फिलहाल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहा है राइट सो वन रूल्स एंड रेगुलशन चेंज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज एक्जैक्टली मुझे करना क्या है ताकि मुझे आगे जाके पी मिले तो ये लोग आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आप लोग को क्या क्या करना है किस तरीके से स्टेप्स लेने हैं कैसे आप लोग

तो दिया से कि मैंने एक बंदे को कांटेक्ट किया है उस बंदे ने हम लोग को अप्रोच नहीं किया है आई अग्री गाइज अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो प्लीज आप लोग नाम ले वो पर्सन का एंड मेरे कमेंट में बताए मैं फालतू मजाक की बात नहीं कर रहा हूं ठीक है किसी के साथ आप लोगों ने बात किया है उसने आपकी हेल्प करी और आप फिर भी नीचे गालियाँ लिख रहे हो तो ये गलत है ये मत करना अगर जेनुअली वो बंदे ने आपकी हेल्प नहीं करी आपने कॉन्टैक्ट किया है इस तरीके का कुछ है तो राइट डाउन वैसे आप मैसेज लिखोगे उससे मेरे को पता लग जाएगा आप जेनुअन हो कि खाली ऐसे ही लिख रहे हो सो so, अगर आप जेनुनिटी के साथ मैसेज लिखोगे तो आई विल सेंड दैट मैंने ये दो मैसेजेस ऑलरेडी मेरी टीम को भेज दी है कि भाई इस तरीके का आपने को नहीं चलेगा एंड काइंडली टेक एक्शन ऑन दिस पीपल सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरे को बताओ मैं आगे के स्टेप्स लूंगा ठीक है एंड कमेंट में बताओ ओपनली मैं इसको ओपनली इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा हर जगह पे डालूंगा सो दैट लोगों को पता लगेगा ये तरीके का पर्सन ये गड़बड़ कर रहा है एंड वो पर्सन अलर्ट रहेगा उसके बाद हम लोग बात करने वाले गाइज एल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री के बारे में अब इसमें किस तरीके का रहता है कि वर्क इन डिमांड जॉब्स होती है एल्बर्टा में ऐसी कुछ जॉब्स होती है जो डिमांड में होती है जो वहां की गवर्नमेंट को चाहिए अब जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया या वहां पे वहां पे मैकेनिकल के बहुत सारे जॉब्स अल्बर्टा के अंदर जितना मैंने सुना बिकॉज ऑयल रिफाइनरीज बहुत ज्यादा है सो तो वहां पर लोगों की जरूरत रहती है सो तो ये वर्क इन डिमांड जॉब्स में आते हैं इसका भी आप लोग को लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो तो ये जॉब से रिलेटेड अगर आप लोग को अल्बर्टा साइड जाना है तो प्लीज गो पढ़ाई करने के बाद जैसे आप लोग ये पोजीशंस में ऑफर लेटर आप लोग लेते हो ना आप लोग डायरेक्टली पीआर अप्लाई कर सकते हो अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री जो पाथवे है ये पाथवे के लिए बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो मैंने जो पाथवे बोला है वो पाथवे से रिलेटेड रिल आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं सो so दैट आप लोग को क्लियर कट आइडिया मिले ओके okay? सो so, इस तरीके का है यू जस्ट हैव टू गेट द ऑफर लेटर एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर द पीआर कोई तरीके का आपको इतने साल उतने साल नहीं चाहिए ठीक है सो वर्क इन डिमांड जॉब्स का लिस्ट नीचे है अगर आप लोग कनाडा आने वाले सोच रहे हो या अल्बर्टा जाने के लिए सोच रहे हो अल्बर्टा इज रियली गुड प्लेस गाइज बहुत बड़ी जगह है और इतने ज्यादा लोग वहां पर नहीं जाते मुझे नहीं पता लोग क्यों नहीं जाते बट लोग नहीं जाते सो मेक श्योर अगर आप लोग आ रहे हो एंड जो भी इनके वर्क इन डिमांड जॉब्स में अगर आप पढ़ते हो तो मेक श्योर आप अल्बर्टा जाए वहाँ पे आप खुश रहेंगे क्लाइमेट अच्छा है वहाँ का प्लस आप पीआर भी हो जाएंगे कोई ब्लड रिलेशन वाला आदमी भी आपका कनाडा में है या कनाडा में पीआर हो चुका है या सिटीजन है तो इसका आपको बहुत अच्छा पॉइंट्स मिलता है आप कोई भी प्रोविंस में जाना चाहते हो कहीं पे भी तो अगर आपका कोई यहाँ फैमिली मेम्बर रिलेटिव खून का रिलेशन खून का ठीक है नॉट कज़न खून का रिलेशन है अगर वो पी है या सिटीजन है तो आपको बहुत प्रॉफिट होता है सो मेक श्योर अगर ऐसा कुछ हो तो इस भी चीज़ को दिमाग में रखना इससे आपका पी होने के चांस भी बहुत बढ़े जाते हैं बिकॉज पॉइंट ज्यादा मिलते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलबर्टा टेक प्रोग्राम अब टेक प्रोग्राम से आपको पता लगेगा जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स है डिस्क्रिप्शन में वो भी लिस्ट आप लोग को दे दूंगा सो so, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिस्ट मिलेगा वो जस्ट गो आप चेकआउट करें अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो लोगों को इससे रिलेटेड नॉलेज चाहिए जो कैनेडा आने का सोच रहे सो so, उनको एक आइडिया मिलेगा ठीक है सो इससे रिलेटेड है तो आप लोगों को वहाँ पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स में आपको 300 मिनिमम पॉइंट्स चाहिए अगर 300 पॉइंट के आसपास है तो देन आप लोग डेजिग्नेटेड या स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ जॉब ले सकते हो जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड है या जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप पोजिशन में पढ़ाई किया है आपने वो पोजीशन से रिलेटेड अगर आपको जॉब मिलती है और तीन पॉइंट के आसपास हो रहा है तो आप डायरेक्टली पी अप्लाई कर सकते हो सो एल्बर्ट टेक प्रोग्राम में इस तरीके का बेनिफिट है मैं आप लोग ऊपर ऊपर से बता रहा हूं डिटेल में आपको लोग को रिसर्च करना है ठीक है बिकॉज ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है सो so हम लोग खाली ऊपर ऊपर से बात करेंगे सो so दैट आपको एक पता लगेगा कि इस चीज भी चल रही है उसके बाद वेन यू डू रिसर्च एंड ऑल आपको धीरे धीरे इन इनडेप चीजें पता लगेगी इन क्लियर कट आइडिया आप लोग को मिलेगा सो मेक श्योर रिसर्च कर रहे हो तो गवर्नमेंट के वेबसाइट पर किसी भी आलतू फालतू का सुनने का नहीं है ठीक है सो so गवर्नमेंट जो बोल रहा है वो सुनो उसके अलावा किसी की भी कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं रिश्तेदार भी बोल रहा है तो उसको भी नहीं पता है आप गवर्नमेंट का ही सुनो दैट्स इट ओके सो ये थे एलबर्ट से रिलेटेड दो तीन प्रोग्राम जो मैंने आप लोगों को बताया बिकॉज वहाँ पे ना पी से रिलेटेड काफी चीजें अभी वो लोग कर, लो कर रहे हैं आई डोंट नो क्यों बट वो लोग कर रहे हैं बिकॉज वहाँ पे उनको लोगों की जरूरत है ठीक है उसके अलावा हम लोग फिर एंड में क्यूबेक के बारे में बात करें बिकॉज क्यूबेक के साथ भी एक बंदे के साथ मैंने वीडियो बनाई थी सो so, उसने मेरे को कुछ चीज़ें बताई थी जो आप लोग को बताना चाहता हूँ गाइस क्यूबेक इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू गो टू बी ऑनेस्ट मेरा कोंकोडिया यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे को ऑफर आया था वहाँ से कोंकोडिया से बट वो काफी लेट आया था तब तक मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में एडमिशन ले चुका था ठीक है कंकोडिया यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ठीक है अच्छे खासे रैंकिंग में आती है सो so, मेरे को वहाँ पे जाना था बिकॉज क्यूबेक में ज़्यादा इंडियंस भी नहीं है एंड वहाँ पे बहुत मतलब अलग तरीके का एक्सपोजर मिलता मुझे तो वो मेरे नज़र में था बट मेरे को वो लोगों ने बहुत लेट स्पॉन्स दिया बिकॉज वो टाइम पे कोरोना चल रहा था राइट सो so, कोरोना में वैसे भी अपलीकेशन का बहुत डिले चल रहा था तो इस तरीके का मगजमाली की वजह से आई डिट गेट आप लोग की अपॉर्चुनिटी मिस मत करना बिकॉज अभी फिलहाल ये लोग का थोड़ा अलग सिस्टम चल रहा है वहां पर अगर आप लोग जा रहे हो तो फ्रेंच का थोड़ा सीन है इफ यू लाइक टू लर्न अ लैंग्वेज इफ यू वॉन्ट टू लर्न अ लैंग्वेज इफ यू नो फ्रेंच ये जगह पे आप लोग जा सकते हो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे मैं एक बंदे से मिला हैं उसको फ्रेंच आती है एंड वो यहाँ पे धक्के खा रहा है पी आर के लिए मैं बोला यहाँ क्या कर रहा है भाई क्यूबेक चले जा वहां इजीली हो जाएगा इफ यू नो फ्रेंच सो वहां पे आप लोगों को अगर ना पता हो तो गवर्नमेंट आप लोगों को फ्रेंच पढ़ाने के लिए भी पैसा देती है लाइक like, आप फ्रेंच पढ़ो और इसका गवर्नमेंट आपको पैसा देती है इस तरीके का क्यूबेक में सीन है सो मेक श्योर गाइज अगर आप लोग क्यूबेक जाने वाले हो तो फ्रेंच को थोड़ा दिमाग में मेन लाइक like बोल्ड अक्षरों में फ्रेंच को याद रखना बिकॉज यू वो लैंग्वेज ही आप लोग को वर्क परमिट दिलाएगी बिकॉज अगर आपको ना पता हो तो क्यूबेक में वर्क परमिट उसके अलावा आगे जब पी अप्लाई करने जाओगे तो अगर आपके वो फ्रेंच आता है तभी आप ये स्टेप्स पार कर सकते हो ये था इस आज का वीडियो जो भी मुझे पी से रिलेटेड चीजें पता लगी उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया आगे में मैं ऐसे वीडियोज डालने वाला हूँ आई विल गो ऑन रोड्स एंड रैंडमली लोगों से बात करेंगे कि इस तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं सो आपको एक आइडिया मिले ठीक है मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे वीडियोज मेरे दिमाग में चल रहे हैं सो वो वो सारा हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे एंड वीडियो बनाएंगे सो दैट आपकी हेल्प हो एंड थोड़े ब्लॉग्स भी डालेंगे सो दैट आपको मजा है मेरे साथ सो बाकी का यही था आज का वीडियो कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड सपोर्ट करो चैनल को चैनल को शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय